यूपी में 6,584 नए कोरोना पॉजिटिव, लखनऊ में एक दिन में मिले रिकॉर्ड 1,244 नए मरीज। एक हफ्ते में पूरी होगी 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया, सीएम योगी ने दिए आदेश। 5 साल संविदा, 50 साल में रिटायरमेंट, मामले में योगी सरकार का यू टर्न, केशव मौर्य बोले ऐसा कोई इरादा नहीं। जौनपुर में दबंगों ने पिता पुत्र को मारी गोली, बेटे की मौत, शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के भरोली गांव की घटना। आजमगढ़ जेल के गेट से फरार हुआ कोरोना पॉजिटिव बदमाश, मचा हड़कंप, पुलिस ने तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। रायबरेली में दबंगों ने खड़ी बुलेरो में लगाई आग, फिर पूरे गांव में घूमे, कादागंज थाना क्षेत्र के बारिन गांव का मामला। कन्नौज के थाने में दिव्यांग के साथ बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल, तो आरोपी सिपाही निलंबित, एसपी ने दिए जांच के आदेश। राशन डीलर की जांच करने गई खाद्य विभाग टीम की, जूते चप्पल और लाठी डंडों से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद डीएसओ के आदेश पर मुकदमा दर्ज। बहराइच में बाल मजदूरी कर रहे 45 से अधिक बच्चों को कराया गया मुक्त, नियोक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी में गौशाला खोलने के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा, बाराबंकी के मसोली थाना क्षेत्र में एक मंदिर के महंत से की ठगी। राम मंदिर की आधारशिला रखते ही अयोध्या में बढ़ी जमीनों की मांग, कीमतों में 4 गुना की बढ़ोतरी। बलरामपुर में पीडब्ल्यूडी ने 5 दलित परिवारों का गिराया मकान, अब सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिशासी अभियंता समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा बोले, साजिश के तहत फैलाया जा रहा लव जिहाद। मुख्तार अंसारी के गुर्गों से बाहुबली रमाकांत यादव को जान का खतरा, राज्यपाल से मांगी सुरक्षा। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को अटैच करने की तैयारी में ईडी। हरदोई में ट्रैक्टर किराए पर मांगने पर हुआ था विवाद, दुकानदार पर कैरोसिन छिड़क कर लगाई आग, दुकानदार की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में गुजरात में साड़ा से भरतपुर जा रही अपना घर की एम्बुलेंस कैनपुरा के पास ऊंट से टकराने से असंतुलित होकर पलटी, 2 की मौत, 5 लोग घायल।